हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया के बारे में। जो कुछ भी रिसेंट के रॉकी एपिसोड में हमें दिखा, जिसमें सेथ रॉलिंस ने आलिया को रे मिस्टीरियो की बेटी मानने से मना कर दिया था। अब क्या है इसके पीछे की थ्योरी? क्या आलिया हमें WWE पर लव एंगल में दिखने वाली हैं? अगर हाँ तो किसके साथ दिखेंगी? इन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि हाल ही के रॉकी एपिसोड में हम सभी ने देखा कि कैसे सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो फैमिली को लेकर कहा कि आलिया और डोमिनिक रे मिस्टीरियो के बच्चे ही नहीं हैं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो ने सेथ रॉलिंस को कहा कि उसको इन सब में मत घसीटो, वो अभी भोली 19 साल की लड़की है और उसे समझ नहीं है। इसके बाद आलिया नाराज होकर बैकस्टेज चली जाती हैं। बैकस्टेज जाकर रे मिस्टीरियो अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था। आलिया कहती हैं कि आप मुझे प्रोटेक्ट मत करो, मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं खुद के लिए बोल सकूँ। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि आलिया ओके, बट तुम सेथ रॉलिंस को नहीं जानती हो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में ये सब डालना चाहता है और ये उसका प्लान है। आलिया कहती हैं कि डैड, मैं केवल और केवल यहाँ एक रीजन की वजह से आई थी, वो भी डोमिनिक को सपोर्ट करने। आप हर्ट हुए, डोमिनिक हर्ट हुए, अब भगवान ही जानता है कि सेथ रॉलिंस मेरे और मॉम के साथ क्या करेगा। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर आलिया वहां से चली जाती हैं। वहीं पिछले काफी टाइम से रे मिस्टीरियो सेथ रॉलिंस मर्फी और डोमिनिक फ्यूड में दिखाई दे रहे हैं। फिर कुछ वीक पहले ही रे मिस्टीरियो की पूरी फैमिली रॉ पर दिखने लगी। अब सवाल आता है कि सेथ रॉलिंस ने आलिया को लेके ऐसा क्यों कहा कि आलिया रे मिस्टीरियो की बेटी नहीं है। तो देखिए, आप सभी ने वो कहावत सुनी होगी, फूट डालो राज करो। वही काम सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो फैमिली के साथ कर दिया है, जिसमें वो सक्सेस भी होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा ही आलिया ने रिएक्ट करा अपनी फैमिली के साथ। अब सेथ रॉलिंस ने ऐसा इसलिए करा ताकि वो आलिया को मिस्टीरियो फैमिली पर टर्न होता दिखाया जा सके और आने वाले टाइम में आलिया अपनी फैमिली को धोखा देते हुए दिखाई जाएंगी। वहीं सेथ रॉलिंस चाह रहे हैं कि आलिया उनको ज्वाइन कर लें, बट सवाल ये है कि सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच सब कुछ पहले से जैसा नहीं रहा है और WWE मर्फी और आलिया के बीच लव एंगल को भी टीज कर रही है। पिछले 2 वीक में आलिया स्टील स्टेप्स के पास मर्फी का हाल देती हुई नजर आई थी। फिर बैक स्टेज रॉक के एपिसोड में मर्फी ने आलिया को सॉरी भी बोला था। अब जो कुछ भी मर्फी और सेथ रॉलिंस के बीच दिखाई दिया है, वो शायद इनका प्लान हो रे मिस्टीरियो की बेटी को अपनी फैमिली से दूर करने का। अब आने वाले एपिसोड में सेथ रॉलिंस फैमिली को बैक स्टेज वाली क्लिप भी दिखाएंगे। ऐसा करके सेथ रॉलिंस इस फैमिली को तोड़ेंगे। अब WWE यहां सेथ रॉलिंस के एक तीर से 2 शिकार करते हुए भी दिखा सकती है। डोमिनिक अपनी बहन आलिया के अलग होने की वजह से अपने फादर रे मिस्टीरियो को धोखा दे दें और यही सेथ रॉलिंस की जीत होगी, रे मिस्टीरियो अकेले पड़ जाएंगे। वहीं कुछ पॉइंट्स पर यह भी माना जा सकता है कि WWE ने सेथ रॉलिंस से आलिया को इंट्रोड्यूस करा दिया, जिस तरह से डोमिनिक ने WWE में एंट्री ली थी। अब आलिया काफी टाइम से WWE में दिखाई दे रही थी, बट उन्हें कोई अच्छे से नहीं जानता था, बट अब सेथ रॉलिंस ने ये काम कर दिया है। अब सेथ रॉलिंस और मर्फी के बीच पिछले 2 वीक में जो दिखा है और उसके पीछे उन दोनों का कोई प्लान नहीं है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस और मर्फी को ही आलिया के लिए बढ़ता दिखाया जाए। अब WWE इनकी स्टोरी लाइन में कुछ नया लेके आई है, जो कि काफी पर्सनल है, क्योंकि WWE जानती है फैंस सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो की फैमिली के उस स्टोरी लाइन को काफी इंजॉय कर रहे हैं। अब WWE में आलिया के फ्यूचर को लेकर अपडेट ये है कि वो रेसलिंग करती हुई तो हमें नहीं दिखने वाली हैं। वो या तो सेथ रॉलिंस को ज्वाइन करती हुई दिखाई देंगी या वो मर्फी के साथ लव एंगल में दिखाई देंगी, जहां काफी कुछ होता दिखाई देगा जो कि रे मिस्टीरियो फैमिली के लिए बर्दाश्त से बाहर होगा, खास करके रे मिस्टीरियो के लिए। वहीं एक बात माननी ये भी पड़ेगी कि रे मिस्टीरियो बड़े चालाक हैं। पहले अपने बेटे को WWE में एंटर करवाया और अपनी अब 19 साल की बेटी को WWE में एंट्री करवा दी है। तो कुल मिला के रे मिस्टीरियो फैमिली की तो बल्ले बल्ले है। तो तैयार हो जाइए आलिया का अपनी फैमिली को धोखा देते हुए देखने के लिए। आई होप स्टोरी लाइन में काफी फन हो, देखने में मजा आए। देखते हैं जब ये स्टोरी लाइन TV पर आएगी तो कैसा रिएक्शन होता है फैंस का। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।